हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम लोग बात करेंगे हाउ टू बिकम अ एक्टिव लिसनर। यू नो, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड इज हैविंग दिस स्किल। सो इफ यू हैव अ वेरी गुड लिसनर, देन यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई बिलीव मी, दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक यू नो स्किल्स एंड वेरी फ्यू पीपल आर हैविंग दिस स्किल्स। तो अगर आप इस लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और कुछ यू नो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करना होगा। सो दीज बेस्ट प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो इफ यू वांट टू बिकम अ रियली एक्टिव लिसनर और यू कैन से अ पावरफुल एक्टिव लिसनर। सो आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दीज पैटर्न्स और यू कैन से बिहेवियर और स्किल्स और यू कैन से प्रैक्टिसेस वन बाय वन। सो टू be an active listener. So I think you people are interested to be an active listener. So I will start explaining. Make eye contact. Whenever you are listening to someone, you have to maintain the eye contact. So eye contact maintain करने से आप जो listener होता है और जो speaker होता है उसके बीच में एक virtual communication से establish होती है और जो speaker होता है उसको लगता है, उसको पता चलता है कि he is understanding you are listening. उसको पता चलता है कि आप उसको लिसन कर रहे हो। सो दैट्स द रीजन मेक आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू डू व्हाइल लिसनिंग समवन। फेस द स्पीकर, आप स्पीकर की तरफ आपको देखना है, आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना। यू आर नॉट सपोज टू सी हियर एंड देयर, यू हैव टू फोकस व्हाट स्पीकर इज सेइंग। सो दैट्स द रीजन फेस द स्पीकर, आपको स्पीकर की तरफ देखना है, नोड योर हेड। सो जब भी कुछ बात होती है या स्पीकर बोलते हैं आपको कि या यू अंडरस्टैंड और इज दिस समथिंग लाइक दैट वेयर यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्स, यू आर सपोज टू मीन्स स्पीकर इज थिंकिंग यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्स समथिंग, देन यू हैव टू नोड योर हेड। ओके, सो नोडिंग हेड इज रिप्रेजेंटिंग यू आर लिसनिंग द थिंग्स एंड दैट इज यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स स्पीकर इज अंडरस्टैंडिंग। वेट फॉर द स्पीकर टू स्टॉप बिफोर स्पीकिंग, अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कोई क्वेश्चन रेज करना है, वेट वेट फॉर द लिसनर टू बेसिकली स्पीकर टू स्टॉप। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए उसके बीच में। वंस स्पीकर इज गोइंग टू कम्प्लीट हिज और हर सेंटेंस एंड ऑब्वियसली एवरी स्पीकर इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। And if you have any doubts, you can ask during that period or maybe once the speaker is going to pause for a few seconds, then ask, raise your hand and ask the question. So that is also very, you know, one of the important skills for all active listeners. Now keep hands and feet still. Obviously, if you aap dekhenge kisi seminar mein ya usme, most of the people, what they do, they used to, you know, shake their hand or shake their body or leg. So that is not a good symbol. So whenever a speaker is seeing those people, they immediately understand these people are not focusing or not listening properly. So this is also, you have to be, you know, focused what exactly a speaker is saying. Ignore distraction. Agar koi distract आपको कुछ कर रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए, उसको मत सुनिए। अगर कहीं से आवाज आ रही है या कहीं कोई कोई बर्ड वगैरह है या कोई मॉस्किटो वगैरह है तो यू हैव टू इग्नोर एक्चुअली। सो आस्क क्वेश्चंस, वंस स्पीकर कंप्लीटेड हिज स्पीच देन आस्क क्वेश्चन। सो इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन एंड हैविंग अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन विद द स्पीकर, दैट इंडिकेट यू आर लिसनिंग एक्चुअली, दैट्स द रीजन यू आर आस्किंग अ वैलिड क्वेश्चंस। सो ऑल क्वेश्चंस आर वैलिड एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। So you have to ask the question, then obviously it will be a good practice to ask the question. Repeat back what you heard. So suppose किसी चीज में आपको doubt है, आपको लगता है कि आपको आपको you know reconfirmation चाहिए from speaker से, तो आप उसको repeat करिए अपने sentence को। Suppose करो वो उन्होंने कोई बात कही जो आपको समझ में आ गई है but आपको confirmation चाहिए, तो आप उस बात को repeat करिए, बताइए कि I heard this, you said, is it correct or not? Then obviously speaker is going to correct if something is wrong, or if everything is correct, he will say, yeah, you are absolutely right. So that is also one of the, you know, good things you have to do. Tell the speaker if you understand or don't understand. अगर आपको उनकी बात समझ में आ गई है या कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में नहीं आ रहा है उनका, या कुछ चीज आपको और क्लियरिफिकेशन चाहिए, तो आप उनसे रेज अपना हैंड करके उनसे पूछ सकते हैं कि कैन यू प्लीज एलाबोरेट मोर
on that topic, or maybe can you put a lot of details or give me some example on that? So this thing is also very important. You have to be fair, you know. It is not like that he speak means you listen something but you didn't understand and you are not asking the question. Focus on what is being said. Obviously, this is I already said in the beginning, focus. So whenever you are focusing and you are listening carefully, obviously you will understand the topic and what kind of things is going on in his speech. So these are the important effect, or you can say behavior, you have to adopt while listening or to become an active listener. Hope you understand and like this video. Please like, subscribe and share my channel with your friends. I will bring more such topics. Thanks a lot.